Hey guys, welcome back to my channel. आप सब लोग कैसे हैं guys? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. अगर आप लोग अच्छे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. तो guys, टेक सुबह जी में आप सब लोग का स्वागत है. तो कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, एक बहुत बड़ी चीज मैं बताऊंगा आज. तो ध्यान से सुनना guys, ध्यान से सुनना. iPhone एक ऐसी कंपनी है जो आप लोगों को सबसे बड़ा चुतियापा बना रहा है. एक बहुत बड़ा चुतियापा बना रहा है. आप समझते हो कि क्यों भाई iPhone ने क्या कर लिया? नहीं भाई, iPhone ने बहुत कुछ कर लिया भाई. 2022 में आके अगर आप iPhone 13, iPhone 12 या फिर iPhone 14 परचेस करते हैं, भाई मत कीजिए. मैं बोलूंगा भाई मत कीजिए गाइस, एकदम ही मत कीजिए. क्योंकि आईफोन, सबको लगता है कि आईफोन है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, आईफोन है तो मेरा ब्रांड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आईफोन है तो सब कुछ मुझे मिल गया. एकदम ही नहीं, आईफोन है तो आपको चुतिया पर बना रहा है, एकदम से चुतिया बना रहा है आईफोन. आईफोन भी एकदम भी मत परचेस कीजिए. क्योंकि आईफोन देखा जाए तो देखिए गाइज, 1,90,000, 70,000, 50,000, 80,000, 1,30,000, अगर आप इतना सारा पैसे आप आईफोन खरीदने में, आप सब कुछ घर बंगला किडनी वगैरह सब कुछ अगर बेच के भी आईफोन खरीद रहे तो क्या भाई, क्यों खरीद रहे मत खरीदे आईफोन. देखिए गाइस, 2022 आ चुका है, एंड तक आ चुका है 2022 के एंड. अब 2023 आने वाला है. तो देख सकते गाइस, पहले आईफोन में हेडफोन जैक था, अब नहीं है. हेडफोन था, हेडफोन भी नहीं है. टाइप सी भी नहीं मिलता है, पहले चार्जर मिलता था आईफोन 11 तक, पर देखिए गाइस 12 तक आने के बाद आईफोन के चार्जर भी नहीं मिल रहा है. आईफोन का जो चार्जर वो लोग दे रहा है, जो 2,000 रुपए 3,000 रुपए लेके जो आईफोन का चार्जर वो दे रहा है, एकदम भी फास्ट चार्ज नहीं होता है. अभी तक 20 वाट तक ही वो अटका पड़ा हुआ है. और अब जो आईफोन जो 14 आ चुका है, 14 में सिम ट्रे, भाई सिम ट्रे भी नहीं देखने को मिलता, बस तो सिम का घाट में जाके लगाओ. क्या कर रहा है आईफोन? इतना ज्यादा पैसे वो ले रहा है सब लोगों से, पर एकदम भी काम का भी कुछ की नहीं. और भाई क्या बोलो, आपको मालूम है गाइस, आईफोन जो फोन वो बनाता है वो खुद नहीं बनाता है. क्योंकि डिस्प्ले देखा जाए तो वो सैमसंग का है. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा, इन बाकी देशों से वो मैन्युफैक्चर करके आप लोगों को वो प्रोवाइड कर रहा है. तो आईफोन का सिर्फ जो लोगो है वही सिर्फ 1,00,000-2,00,000 रुपए में बेच रहा है. स्टीव जॉब्स ने कहा है कि उसका जो आईफोन है वो ऑल ओवर रेडी होके कितने रुपए में, उसका जो मार्जिन कॉस्ट जो पड़ता है कितने रुपए का पड़ता है आपको मालूम है? 30,000 रुपए, 30,000. और वही फोन इंडिया में हमें देखने को मिलता है कितने रुपए का? 90,000, 80,000, 1,00,000. भाई क्यों भाई इतना ज्यादा? 30,000 का एक फोन आपको पड़ रहा है पर आप बेच रहे हैं इतना ज्यादा में? गाइस प्लीज गाइस, आईफोन मत खरीदे, एकदम भी आईफोन मत खरीदे. आईफोन सबसे ज्यादा बकवास फोन, सबसे ज्यादा बेकार फोन है, बहुत ज्यादा बेकार फोन है आईफोन. सिर्फ चुतिया बना रहा है आप लोगों को, आप लोगों का एकदम से चुतिया बना रहा है आईफोन. देखिए गाइस, अभी भी आईफोन में जो 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है, पर एंड्रॉइड फोन में अभी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल रहा है, पर अभी भी आईफोन 60 हर्ट्ज. हाँ मालूम है 60 हर्ट्ज है तो बहुत ज्यादा रिफ्रेश रेट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट कंपेयर. भाई उतना फास्ट नहीं चाहिए, 144 हर्ट्ज में भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, 120 हर्ट्ज में भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है. और सबसे ज्यादा सब लोग कहते हैं ना, आईफोन का जो A15 बायोनिक चिप है, जो A16 बायोनिक चिप है, बहुत ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा यूज प्रोसेसर है, हमें बहुत ज्यादा तक सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलता है. भाई ऐसा मत कीजिए. जो स्नैपड्रैगन का जो 8+ Gen है, जो 8 Gen है, जो 8888 है, जो 888+ है, बहुत ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का. जो MediaTek Dimensity का जो 8100, जो 9000 का जो चिपसेट है, बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है. पर नहीं गाइस, आपको तो आईफोन का जो लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वही लेना है. भाई एक बात ध्यान से सुनिए, जो आईफोन का जो A15 A16 जो बायोनिक चिप है वो लेके आप क्या करेंगे?
लेके क्या करेगा भाई, तू क्या करेगा बोल, तू क्या एवेंजर का मूवी बनाएगा? नहीं ना, तू एवेंजर का मूवी तो नहीं बनाएगा, तो तुझे क्यों चाहिए आईफोन 14 या फिर आईफोन 13 लेगा तो क्या करेगा, लड़की पटाएगा? भाई ऐसा मत कर, भाई ऐसा मत कर, तू आईफोन 14 मत ले, आईफोन 13 भी मत ले, कर उससे ज्यादा अच्छा हमारा एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड बहुत ज्यादा बढ़िया फोन है। तुझे पता है अगर वो डिस्प्ले टूट जाए या बैक पैनल अगर वो घिस जाए, अगर वो टूट जाए तो कितना खर्चा पड़ेगा? 30,000 खर्चा पड़ेगा, और 30,000 में एक एंड्रॉयड बहुत बढ़िया फोन आ जाएगा तेरे पास। भाई ऐसा मत कर, फालतू के पैसे मत उड़ा आईफोन लेके, एंड्रॉयड है एंड्रॉयड पे ही रहे, क्योंकि एंड्रॉयड बहुत बढ़िया फोन है। तुझे पता नहीं कि एंड्रॉयड में बहुत सारे चीज वो तुम कर सकते हैं, वह तू आईफोन में भी नहीं कर सकता, ऐसा मत कर। आईफोन आईफोन के चक्कर में सब कुछ किडनी वगैरह सब कुछ बेच के आईफोन ले लिया और सब कुछ गाड़ मार। ऐसा मत कर, एंड्रॉयड फोन बहुत बढ़िया फोन है भाई, बहुत बढ़िया फोन। अगर तुझे बहुत ज्यादा फ्लैगशिप किलर का फोन चाहिए यार, वन प्लस ले ले, वन प्लस 10T 10R, सैमसंग ले ले, सैमसंग S20 Ultra, वाह ये रियलमी ले ले, रियलमी GT 3T, रियलमी GT 2 Pro ले ले, वीवो का जो X80 है वो बहुत बढ़िया फोन है, 80,000 रुपए में बहुत ही बढ़िया फोन है, वो जाके परचेस कर ले। IQ का जो 90 जो 9 Pro जो 9 AC है वो जाके परचेस कर ले, बहुत ही बढ़िया फोन है, क्योंकि तुझे तो एंड्रॉयड नहीं चाहिए, तुझे क्या चाहिए? आईफोन, आईफोन चाहिए, वो कटा हुआ जो सेब है वो ही तुझे चाहिए। तुझे नहीं मालूम भाई, आईफोन तुझे पक्का चुतिया बना रहा है, और तू वो चुतिया में है, तू वो चुतिया ही है जो जाके आईफोन ही खरीद रहा है 30,000 में, उसको ऑल ओवर मैन्युफैक्चरिंग को 30,000 में है, तो फोन को तू बेच या फिर 60,000 में 50,000 में बेच, पर नहीं गाइस, वो कितने रुपए में बेच रहा है? 90,000-80,000 रुपए में आईफोन बेच रहा है। भाई ऐसा मत करियो, अपने पैसे अपने पास ही रख और जाके बहुत बढ़िया तू एंड्रॉइड फोन खरीद ले। इस दिवाली के ऑफर में आईफोन मत परचेस कर, तेरे पदलून वगैरह सब कुछ निकल जाएगा इस आईफोन के चक्कर में, आईफोन मत खरीद भाई। तो आईफोन के चक्कर में फालतू के चीजें मत तू परचेस कर, जो आईफोन आईफोन दिन रात तू करता रहता है, आईफोन खरीदना आईफोन है भाई, आईफोन मत खरीद। मेरे बहुत सारे दोस्त है वो कहते हैं कि यार पैसे जमा लूंगा और उसके बाद आईफोन 13 आईफोन 14 खरीदूंगा। बहुत सारी वाला आईफोन लेके तू क्या करेगा भाई, क्या करेगा तू आईफोन लेके? आईफोन मत परचेस कर, एकदम भी घटिया, एकदम घटिया।